जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि रीट भर्ती 2020 के आपके फॉर्म कब तक आएंगे, आपकी एग्जाम कब तक होने वाली है, तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों लॉकडाउन में आपके जून के अंत तक दोस्तों आपके फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा दोस्तों 2 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, और दोस्तों बता देना चाहते हैं आपकी परीक्षा पैटर्न में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये दोस्तों जो भी आपका वेटेज है वो सरकार खत्म करने को लेकर है, वो बड़ी तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे राज्यों के जो भी स्टूडेंट हैं उनको रीट भर्ती 2020 में मौका नहीं मिलेगा, ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कई बड़ी अपडेट रीट भर्ती 2020 से रिलेटेड आ रही है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार दोस्तों रीट भर्ती 2020 संबंधित हर खबर हम अब तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपकी सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि दोस्तों सरकार पर लगातार है वो दबाव बन रहा है। सरकार ने पहले 2 अगस्त को आपकी है एग्जाम डेट थी यहाँ डिसाइड की थी, उसके बाद दोस्तों 2 सितंबर सरकार ने एग्जाम डिसाइड किए, परंतु दोस्तों सरकार पर लगातार है वो बेरोजगार संघ साथी दूसरे जो राज्य के संघ हैं उनका दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह सरकार रीट के आयोजन को लेकर जयपुर में उस तरह बैठक है वो आपकी कल करने वाली है। इसको लेकर दोस्तों आपका बड़ा निर्णय है वो आने वाला है, और दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि इसी महीने दोस्तों आपका एग्जाम है, सॉरी आपका जो भी फॉर्म है वो आने वाला है। दोस्तों 2 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। स्नातक शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट को लेकर मंगलवार को सचिवालय उस तरह बैठक होगी। इस बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में चर्चा की जाएगी कि रीट का आयोजन आपके है किस तरह से किया जाएगा और कब किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसको लेकर आपकी तिथि 2 सितंबर तय कर रखी है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी इसको लेकर विज्ञप्ति जारी नहीं की। इसमें कारण आपके विद्यार्थी को 2 सितंबर को एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सारा फोकस वर्तमान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से आपके अधिक हैं वो आयोजित करने में रीट का दोस्तों आयोजन का इंतजार है वो लगातार कर रहे हैं। दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार पिछले कई सालों से रीट भर्ती 2020 का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी रीट भर्ती होगी, और वो एक है टीचर के रूप में आगे आएंगे या दोस्तों टीचर बनने वाले दोस्तों उनके सपनों पर है सरकार लगातार पानी फेर रही है। दोस्तों कई सरकारें आती जाती रहती हैं, पर दोस्तों सरकार का जो भी आपका नज़रिया होता है, सरकार जो भी डिसाइड करती है वो दोस्तों बहुत ही गलत स्टूडेंट के साथ हो रहा है। दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि इसका सबसे डायरेक्टली असर वो पड़ता है कि जो स्टूडेंट अपनी ईमानदारी से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों इससे इफेक्टेड होते हैं। दोस्तों कोई भी नई जानकारी होगी हम अब तक सबसे पहले पहुँचाने वाले, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।